एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 69 है। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसके आगे के क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये क्या कह रखा है, क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और आपने चेक करना है संगत है या असंगत है। ठीक है, सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर संगत है, सॉल्यूशन मिल रहा है, तो सॉल्यूशन निकालना कैसे है, आलेखीय विधि से, यानी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ बनाना है और फिर उससे आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो पहले हम इक्वेशंस को इक्वल टू 0 ले आए, प्लस का 5 था दूसरी साइड जाएगा माइनस का, प्लस का 10 था दूसरी साइड जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लें। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आएंगे, a1 b1 c1। a1 होता है x का कोफिशेंट, ये क्या है 1। b1 होता है y का कोफिशेंट, y का गुणांक, ये भी क्या बनेगा 1। और C1 होती है आपकी कांस्टेंट और वो क्या है माइनस का 5। ध्यान रहे हम साइन साथ में लेंगे माइनस का, इसको छोड़ना नहीं है। सेकंड इक्वेशन से हम A2 B2 और C2 निकालेंगे। ठीक है, A2 मतलब x का कोफिशेंट, ये क्या आएगा 2, B2 y का कोफिशेंट, ये भी 2, और C2 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 10। अब हम कंडीशंस थी जो हमारी वो देखेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 निकालेंगे और C1 अपॉन C2 निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करते हैं और उस पे बेस फिर हमें पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए ज़रा, हमने निकाला A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 -5 अपॉन 10, माइनस से माइनस 5 से काटा 1/2, तीनों ही आपके पास क्या आ गए हैं 1/2। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है, जो गिवन पेयर है आपको लीनियर इक्वेशन का वो क्या है, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है। 3 रूल्स आपको लिखवाए थे उनमें ही है ये, क्या अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो आपको सॉल्यूशन मिलता है कंसिस्टेंट ही होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। एक होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इस सिचुएशन में भी आपको सॉल्यूशन मिलते हैं और पेयर आपके पास क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है। बस एक सिचुएशन अगर ये आ जाए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। अब क्योंकि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और सॉल्यूशन के लिए हमें इसने क्या कह रखा है कि आपने ग्राफ की हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकालना, तो हम क्या बनाएंगे, इन दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस y। यहाँ से हमने एक छोटी टेबल बनाई और एक्स और वाई की उसमें कोई 3 वैल्यूज निकाली, वाई की वैल्यू पुट करते गए और एक्स की आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, फिर एक छोटी टेबल मिलाई, फिर एक छोटी टेबल बनाई जिसमें 3 वैल्यूज हमने लेनी है, मिनिमम 3 आप लेंगे ही लेंगे, y की वैल्यूज रखेंगे तो x की आएंगे, और इस तरह से हमारे पास क्या आ गई हैं, ये 2 इक्वेशंस आ गई। तो अब हम इनका ग्राफ बनाएं, x एक्सिस और हमने y एक्सिस ले ली, तीनों ही पॉइंट प्लॉट करें, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 ये वाला पॉइंट, और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 ये वाला पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 और 5 है, ये वाला पॉइंट भी आ सकता है अगर ये गलत नहीं है ये भी, क्योंकि अगर हम देखो इसमें y की वैल्यू 5 रखे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि ये पॉइंट भी आपका ठीक है। ठीक है, ऐसे हमने इसके पॉइंट्स प्लॉट किए, ध्यान से देखो कि ये पॉइंट सेम ही है, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर ही लाइन आ रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो कितने हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। देखिए सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइंस आपस में मीट करती हैं। ठीक है, या तो पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पॉइंट पे मीट करें,
यहाँ पे लाइन के ऊपर ही लाइन का ग्राफ आ रहा है, मतलब हर पॉइंट पे लाइन आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही है, और हर एक पॉइंट आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आपको मिलेंगे इन इक्वेशंस में। क्या कहा है देखिए, फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट पी वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दिए गए समीकरण योग्य संपाती हैं, संपाती वही एक के ऊपर एक ही है, कोइंसिडेंट क्वाइन की तरह है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक हल हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x-3y=16। यहाँ पे अगेन पहले हम इक्वल टू 0 लेके आएंगे, प्लस का 8 है दूसरी साइड माइनस का, प्लस का 16 है दूसरी साइड माइनस का। ठीक है, फिर ए वन बी वन और सी वन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, ए टू बी टू और सी टू की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली। अब हम देखेंगे कि ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, ये बिहेव कैसा करते हैं। ठीक है, तीनों ही कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस आती है। हमने ए वन अपॉन ए टू निकाला, वो 1/3 आया, बी वन अपॉन बी टू निकाला, वो भी 1/3 आया, सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू रखी तो वो 1/2 आया। यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रही है क्या, ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के लिए। आपको बताया था कि इस सिचुएशन में क्या आएगा, सिस्टम आपके पास कैसा है, लीनियर इक्वेशंस का इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, हमें कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हल नहीं मिलेगा तो फिर उसका ग्राफ नहीं बनाना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था। थर्ड पार्ट देखिए, 2x+y-6=0, 4x-2y-4=0। तो ये ऑलरेडी इक्वल टू 0 हैं। अब हमने सीधा ही a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाली, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाली, फिर a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ही क्या आ रही है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ना भी निकालते, निकाल लिया कोई बात नहीं, बट हमारी फर्स्ट टू से ही कंडीशन क्या आ रही है कि आपका गिवन पेयर ऑफ सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, संगत है, सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन मिलेगा तो सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है, ग्राफिकली, ग्राफ बना के, आलेख बना के। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन क्या थी, 2x+y-6=0, एक्स एक तरफ बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, तीन वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई की, और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू एक तरफ और यहाँ पे वाई की वैल्यू रखते जाएंगे और एक्स की वैल्यू आती जाएंगी। फिर हमें इन्हें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव, इधर माइनस के, इधर माइनस के वैल्यूज, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट हो गया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया, 2 और 2 अगेन ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू -1, 0.5 यानी कि आधा, एक के बीच में ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे -1 ये आ गया। तो ध्यान से देखा था हमें किस पॉइंट पे कट रहे हैं, ये 2 और 2, इस पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस मीट कर रही हैं, और जहाँ पे दोनों इक्वेशंस का ग्राफ मीट कर रहा है वही क्या है आपके पास, सॉल्यूशन होगा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। लिखेंगे कैसे वो देखिए, देखिए फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीट्स एट ए पॉइंट 2 2, देयरफॉर सॉल्यूशन इज यूनिक, अद्वितीय हल है, एक फिक्स हल ही है, यही आएगा। आलेख से स्पष्ट है कि समीकरण युग्म इस बिंदु पर मिलते हैं, और यह आपका क्या है, रैखिक युग्म कैसा है, हल कैसा है आपका, अद्वितीय हल है, फिक्स है, एक ही है, यूनिक है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है, 2x-2y-2=0, 4x-4y-5=0, इक्वल टू 0 है तो और सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, सीधा a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूज आ जाएंगी, फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालेंगे। देख रहे हैं क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 तो बराबर आ रहे हैं, बट वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आ रहे हैं, और ये कंडीशन हमें क्या बता रही है कि गिवन पेयर आपका कैसा है, इनकंसिस्टेंट है लीनियर इक्वेशंस का, और रैखिक समीकरण युग्म आपकी कैसे आगे, असंगत आगे, हमें कोई हल नहीं मिलेगा, हल नहीं मिलेगा तो आपने ग्राफ भी नहीं बनाना है, अगर संगत हैं, कंसिस्टेंट हैं, तभी आपने उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है।
अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आयताकार बाग, ठीक है, और क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 है, अर्ध परिमाप, परिमाप का भी आधा, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाई, उसका आधा कितना है, 36 है। डायमेंशंस निकालने हैं, बाघ की विमाएं निकालनी है। दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो पेरीमीटर का हाफ 36 है और एक लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। अब की बार आपको इक्वेशंस दे नहीं रखी, स्टेटमेंट दी है, यहाँ से आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो हमें निकालना है हम वही मान लेते हैं। हमने बाघ की लंबाई क्या मान ली, x, विड्थ चौड़ाई हमने क्या मान ली, y, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है, ये पेरीमीटर का होता है। पर हमें तो क्या चाहिए, हाफ चाहिए, इसका आधा चाहिए, तो आधा यही बनेगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, इसमें भी 4 जोड़ दिए, हो गए ना दोनों बराबर, आ गई इक्वेशन। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो हाफ पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशंस नहीं थी और हमने जो स्टेटमेंट दी हुई है उससे अपनी इक्वेशन बना ली है, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन आ गई हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसा आता है। यहाँ तक दोबारा देख लीजिए, लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेड्थ को वाई मान लिया, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, बट हमें पेरीमीटर परिमाप नहीं चाहिए, हाफ चाहिए था, उसका आधा चाहिए था, तो इसका आधा कर दिया, क्या आया, एक्स प्लस वाई। ये तो आपको दे रखा है कि 36 है, और एक क्या कह रहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ये 4 बड़ी है, तो हमने चौड़ाई में भी 4 और ऐड कर दिया, अब हो गए दोनों बराबर, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। पहले वो छोटी टेबल बनाएंगे 3-3 वैल्यूज़ वाली, और फिर हम करेंगे उसका ग्राफ। इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई बाई फोर, उससे आपकी टेबल बना ली, y की वैल्यू रखते गए, x की वैल्यू आती गई, और x प्लस वाई इक्वल टू 36, यहाँ पे y की वैल्यू रखते गए और उसको 36 में से जैसे ही माइनस किया, हमारे पास क्या आती गई, x की वैल्यूज आ गई। मिनिमम आपने 3-3 वैल्यूज ये निकालनी है, और इन्हें कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पे। ग्राफ अभी दोनों इक्वेशंस का x एक्सिस y एक्सिस, और ये आपके पास ग्राफ है x इक्वल टू y प्लस 4 का, और ये आपके पास ग्राफ आया है x प्लस y इक्वल टू 36। ध्यान से देखें तो दोनों कहाँ कट हुए हैं, इस पॉइंट पे कट हुए हैं। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 20, y की वैल्यू क्या है, 16। x हमने क्या माना था, लेंथ मानी थी, लंबाई मानी थी, और y हमने क्या मानी थी, विड्थ मानी थी, चौड़ाई मानी थी, और हमें डायमेंशंस ही निकालनी थी, हमें लंबाई और चौड़ाई ही निकालनी थी। दोनों का ग्राफ जिस पॉइंट पे कटा वहीं पे x की वैल्यू और y की वैल्यू देख ली, और वही हमारे क्या आगे आंसर आ गए हैं। देखिए ज़रा इसको कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीट्स एट 2016। आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा दोनों ही आगे 2016 पर मिलते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू क्या है 16। x हमने क्या माना था, बगीचे की लंबाई, और y हमने क्या माना था, बगीचे की चौड़ाई, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपने वैसे ग्राफिकली मेथड ही करेंगे क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में हमारे पास ग्राफिकली मेथड ही है, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो देख लीजिए, हमारे पास दो चीज़ें थी, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ, या फिर विड्थ कह लीजिए। हमने विड्थ को मान लिया एक्स, लेंथ के बारे में क्या कहा गया कि लेंथ इससे 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 ऐड कर दिए। अब पेरीमीटर परिमाप की बात हो रही है, 2 × में एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है, तो लंबाई आपके पास है, लंबाई की वैल्यू रख दी, बी ब्रेड चौड़ाई की है, चौड़ाई की वैल्यू आपको रख दी, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, पेरीमीटर परिमाप आया, पर हमें क्या चाहिए है, हाफ पेरीमीटर चाहिए, हमें अर्ध परिमाप चाहिए, तो हमने इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो अर्ध परिमाप है ना, ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस का 4 था, दूसरी साइड गया माइनस का, और यहाँ से क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 16। एक्स की वैल्यू 16, यानी कि विड्थ आपके पास क्या आ गई है, 16, और लेंथ के लिए क्या करेंगे, एक्स में क्या जोड़ दिए, 4, और ये आ गया आपके पास 20, ठीक है।
तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और आप ग्राफिकली मेथड चाहें उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने विड्थ मानी, फिर लेंथ मानी, और फिर पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया। पैरामीटर हमें हाफ पैरामीटर, अर्ध परिमाप हमें 36 गिवन था उसके बराबर रख दिया। सिंप्लीफाई करके हमने क्या निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ये सारा एक वेरिएबल एक चर एक्स में है, और जो हमने ग्राफिकली मेथड कर रहे थे वो एक्स और वाई दोनों में थे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रखा है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। पार्ट है इसकी, एक लीनियर इक्वेशन, एक समीकरण आपको दे दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपने लिखना है अपनी तरफ से, और लिखना कैसे है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करें, रेखाएं प्रतिच्छेद करें। तो देखिए ज़रा हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समीकरण हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं जो हमारे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी ना, रेखाएँ प्रतिच्छेद कर रही थी, उस कंडीशन को, उस शर्त को सेटिस्फाई करती हैं। वो शर्त क्या थी कि ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के लिए। तो आप कुछ भी, हमारे पास ए वन क्या है, 2 है, बटे में ए टू है, बराबर नहीं आना चाहिए। बी वन हमारे पास क्या, 3 है, बटे में क्या है, बी टू है। तो आपने जो इक्वेशन बनानी है वो कुछ भी बना दीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और रियली में ऐसी बहुत सारी हैं, आप कोई भी रैंडमली उठा लीजिए। मैंने क्या लिखी है, 4x और 5y लिखे हैं। यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूं और यहाँ पे अगर हम 5 लिखूँ तो ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, हमें यही इक्वेशन चाहिए थी। आप कोई और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही इक्वेशन लिखें, बस लिखेंगे ऐसे जो आपकी ए टू और बी टू की वैल्यू हो ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ये बराबर ना आए आपस में, ठीक है। दोबारा देखिए, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी और दूसरी इक्वेशन हमने निकालनी थी, और ऐसी निकालनी थी कि लाइन इंटरसेक्ट करें, रेखाएँ प्रतिच्छेद करें। रेखाएँ प्रतिच्छेद करें, वो शर्त क्या है कि ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के। अब ए वन की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी वन की वैल्यू हमारे पास 3 है। आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, ए टू और बी टू, बस सी टू से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप ए टू बी टू कुछ भी ऐसा ले लीजिए, बस ये दोनों बराबर ना आए। मैंने सिंपली एक इक्वेशन आपको लिख के दिखा सकती है, कोई और इक्वेशन भी हो सकती थी। एक इक्वेशन ये भी हो सकती थी, मान लो 6x + 2y - 9 कर दो, 10 कर दो, कुछ भी कर दो। 2/6 क्या आया, 1/3, 3/2 क्या आया, 3/2, बराबर नहीं है, हाँ बस बराबर नहीं आने चाहिए थे। तो ऐसी ढेर सारी इक्वेशन हो सकती हैं, आपका जो मन करे वो लिख लो, बस वो इंटरसेक्टिंग लाइन, रेखाएं प्रतिच्छेद करें, उस कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करें। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, पैरेलल लाइंस। सेकेंड पार्ट अब आपके बारे में, पैरेलल लाइन, रेखाएँ समांतर। सेकेंड है, पैरेलल लाइंस, रेखाएं समांतर हो। समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। दूसरा हम खुद बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। रेखाएं समांतर, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के तो बराबर होना चाहिए, बट सी वन अपॉन सी टू के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने ये लिया है। यहाँ से देखो हमारा ए वन अपॉन ए टू क्या आ रहा है, 2/4, काटेंगे तो 1/2। बी वन अपॉन बी टू क्या आ रहा है, 3/6, कटेंगे तो क्या रहा है, 1/2। सी वन अपॉन सी टू क्या रहा है, -8/-8, ठीक है। ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू तो बराबर आ रहे हैं, बट सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं आ रहे। तो अपनी मर्जी से आपने इक्वेशन लेनी थी, आप जैसे मर्जी चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने रैंडमली एक उठा ली, अब जो मर्जी चाहें वो लीजिए, बट वो इस कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करें, इसको ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और अब देखते हैं इसी का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें, 4 कोइंसिडेंस लाइन, रेखाएं इस बार क्या है, समपाती हैं। समीकरण युग्म दे रखा है, ठीक है। अगेन हमने समपाती रेखाएं दिखानी है, मतलब कंडीशन क्या आनी चाहिए, ए वन अपॉन ए टू बराबर आना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के, बराबर आना चाहिए सी वन अपॉन सी टू के लिए। तो ऐसी भी बहुत सारी लाइन हो सकती है। मैंने क्या ले ली, 4x, 3 था तो 6x और 8 था तो 16 ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम निकालोगे आप ए वन अपॉन ए टू तो 1/2 आएगा, यहाँ पे भी बी वन अपॉन बी टू भी 1/2 आएगा, सी वन अपॉन सी टू भी 1/2 आएगा, तीनों आएंगे।
आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते थे, 6x + 9y - 24 बराबर आने चाहिए ना। 2 और 6 हैं, 2/6, 1/3 आ गया, यहाँ से भी 1/3 आ गया और यहाँ से भी 1/3 आ गया। बस कैसी भी आप लाइन ले सकते हैं, बस वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा था कि लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है, संपाती रेखाएं हैं। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की क्या है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन ये दे दी और एक इक्वेशन ये दे दी, ड्रा द ग्राफ, इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है बना देंगे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये क्या कह रहा है कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस जो हमारी ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से एक त्रिभुज बनेगी, ठीक है, एक ट्राइंगल बनेगी कुछ ना कुछ। आपने उनके जो वर्टिसेस है ना, उनके शीर्ष हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, निर्देशांक बताने, मतलब वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, ये बतानी है। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो त्रिभुज बना है इस पे छाया सी बनानी है, छायांकित करनी है, शेड सी करनी है, तो पेंसिल से हम फिर उस एरिया को शेड कर देंगे। तो पहले हमें क्या बनाना है, इन लाइन्स का ग्राफ, वो देखिए कैसे बनाएंगे। ग्राफ तो हम बाद में बनाएंगे, पहले वो छोटी टेबल बनाएंगे। x - y = 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y की जो वैल्यू रखते जाएंगे और x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 मिनिमम लेनी ही लेनी है आपने। 3x + 2y - 12 = 0, यहाँ पे x की वैल्यू निकाला y के फॉर्म में और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते गए तो हमें x की वैल्यूज भी मिलती गई। नेक्स्ट काम क्या है, इनको यहाँ पे प्लॉट करना है ग्राफ पे, और ये हमें आता है, हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, होप कि अब आप इजीली इनको प्लॉट कर ही लेंगे। ये देखिए ये हमने ग्राफ पॉइंट जो थे वो प्लॉट कर लिए, ये लाइन आई है x - y + 1 = 0 इस ग्राफ की और इस इक्वेशन की, और ये वाली लाइन आई है 3x + 2y - 12 = 0 इस इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन को और एक्स एक्सिस से हमें त्रिभुज मिल रही है, हमें ट्रायंगल मिल गई, इसको शेड करना था तो पेंसिल से थोड़ी शेडिंग बना दी। दूसरा, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने थे, शीर्षों के निर्देशांक बनाने थे, तो नाम दे दिया इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0 आ गया, ए का कोऑर्डिनेट, ए का निर्देशांक। बी के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, ये बी के निर्देशांक आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। सी के लिए ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ये आ गया आपके पास सी। आपने ए निकाल दिया, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, तीनों के ही आपने क्या निकाल दिए, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक निकाल दिए, और इस ट्राइंगल को शेडेड सा कर दिया पेंसिल से थोड़ा, और यही काम हमें करना था, ठीक है। होप कि बेटा आपको आज के लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है, और डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।